हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल परम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो चलिए, जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले हैं और अगला सेमेस्टर शुरू होने में 2 महीने का भी टाइम है, यानी कि मैं अभी बात कर रहा हूँ कि हमारे पास जून और जुलाई का मंथ है, जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं और यहाँ फर्स्ट ईयर के भी स्टूडेंट हैं। तो अभी मैं ये टॉपिक बेसिकली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, IT, AI ML, ब्लॉकचेन, डेटा साइंस के स्टूडेंट हैं, तो अगर वो स्टूडेंट अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको समर्स के लिए कुछ कोर्सेज के बारे में बताऊंगा। आप उन कोर्सेज को करके बेसिकली जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं बढ़ सकते हैं, पर आपको ये टाइम यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो ये टाइम कैसे यूटिलाइज़ होगा, कौन कौन सी फील्ड रहने वाली है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, जो आपकी फील्ड है कंप्यूटर साइंस या IT फील्ड की बात करें, उसमें फील्ड निकल के आती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से कोर्सेज करने चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूँगा बेसिक्स ऑफ जावा, ये कोर्स आप कर लें। बेसिक्स ऑफ जावा एक कोडिंग का कोर्स है और एज ए बिगिनियर अगर आपको बेसिक के फाउंडेशन हो जाएंगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर या वेब डेवलपर में जाना चाहते हैं। और कई बार तो डेटा साइंस के जगह पर भी कई कोडिंग की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर भी बेसिक्स ऑफ कोडिंग जहाँ कह लीजिए आपके फंडामेंटल अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप जा सकते हैं। तो इसीलिए आप बेसिक्स ऑफ जावा का कोर्स जो कि डिफरेंट वेबसाइट से अवेलेबल है, तो मेरी स्क्रीन पे आपको अवेलेबल है, उन वेबसाइट पे जाके मैं कुछ लिंक्स भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पर आप कोर्स कर सकते हैं। तो क्योंकि आप अगर आप किसी ऐसे शहर में रहते हैं, मेट्रो सिटी में रहते हैं, यहाँ पर कोई इंस्टीट्यूट भी अवेलेबल है तो आप ऑफलाइन जा सकते हैं, नहीं तो आप घर बैठे ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है HTML एंड CSS। जो HTML और CSS का कोर्स है ये भी एक फाउंडेशन बनाएगा, बेस बनाएगा, बेस के ऊपर ही बिल्डिंग बनेगी। अगर बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप वेब डेवलपमेंट जैसे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे कोर्स बड़े आसानी से या उस फील्ड में माहिर बन पाओगे। तो HTML और CSS का कोर्स करें। सॉफ्टवेयर डेवलपर और वेब डेवलपर थोड़ा सा बता देता हूँ। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मतलब होता है किसी सॉफ्टवेयर को बनाना, उसको डे बाय डे अप टू डेट रखना और डेवलप करना, तो उसका नाम पड़ता है सॉफ्टवेयर डेवलपर। वेब डेवलपर का होता है जो वेबसाइट बनाते हैं, इसका जो आप वेबसाइट ओपन करते हो, जो फ्रंट एंड वेबसाइट खुलती है वो तो आपकी स्क्रीन हो गई, वो होते हैं फ्रंट एंड डेवलपर। जब उसमें कोई डाटा फीड किया जाता है या उसके बैक एंड पे जो काम होता है, जो डाटा का स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसको बोलते हैं बैक एंड डेवलपर। जो दोनों चीज़ें कर पाते हैं उनको बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर, और इसी को बोलते हैं वेब डेवलपर। तो इस तरह से आप वेब डेवलपर या सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं तो आप कोर्स करें HTML, CSS एंड जावा का कोर्सेस। उसके बाद बात आती है साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और क्लाउड कंप्यूटिंग। इसमें से एक कॉमन कोर्स निकल के आता है कंप्यूटर नेटवर्किंग। अभी आप कोई हाईफाई चीज मत सीखें, सबसे पहले ये सीखें कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती है, जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क कैसे काम करता है, OSI मॉडल क्या है, TCP/IP क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क क्या है, एड्रेसिंग क्या होती है, IP एड्रेस क्या है, सबनेटिक क्या है, VPN क्या है, VLAN क्या है, ये सारी चीज़ें आप बेसिक सीखेंगे। उसके बाद बात करते हैं जैसे साइबर सिक्योरिटी है, यानी कि साइबर सिक्योरिटी के केस में जैसे आपने साइबर क्राइम बढ़ गए हैं, वहाँ पर जैसे पुलिस, IB, कई जगह पर रिक्वायरमेंट होती है जो हैकर्स को डील कर सकते हैं। तो एथिकल हैकिंग भी तभी सीख पाएंगे अगर कंप्यूटर नेटवर्किंग की नॉलेज होगी। फिर होता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जितने भी, जैसे मान लीजिए आप कॉलेज में कहीं पढ़ रहे हो, वहाँ पर भी कोई वाईफाई चलता है या कोई इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल है, वो सारी फैसिलिटी नेटवर्क बना कैसे कैसे दी जा रही है, तो वहाँ पर एक कोई नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो सारी चीज़ को कंट्रोल करे। तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए भी आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग आनी चाहिए, तो कंप्यूटर नेटवर्किंग वहाँ से सीख सकते हैं। तो बेसिकली अगर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बनना है वैसे तो सिस्को की नेटिवेशन सर्टिफिकेशन चलती है, CCNA, CCN, BCCI, इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट सर्वर को कंट्रोल करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन रहती हैं, और भी कई सारी सर्टिफिकेशन है,
तो बेसिक कोर्स जो है कंप्यूटर नेटवर्किंग का आप उसको कर लें, नहीं तो CCNA का कोर्स है उसको कम से कम पढ़ लें तो आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग फील्ड में आप एंटर हो जाएंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग आज की डेट में बहुत सारी कंपनी जो करती क्या हैं, क्लाउड के ऊपर अपना जो है डेटा स्टोर करती हैं या प्रोसेस करती हैं, तो इसके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियर सही होते हैं, तो उनको भी उनका भी जो है फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग तभी होंगे अगर उनको कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में पता होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता होगा या वर्चुअलाइजेशन के बारे में पता होगा, तो उसके भी रिगार्डिंग आप कंप्यूटर नेटवर्किंग के कोर्स देख लें। तो मेरी वेबसाइट और मेरी स्क्रीन के ऊपर कुछ कोर्सेज शो किए जा रहे हैं, तो इन कोर्सेज को भी गो थ्रू करके आप उन वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। अगेन अगर आप किसी ऐसे शहर में रहते हैं यहाँ पर कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट अवेलेबल हैं जो ऑफलाइन इस कोर्स को प्रोवाइड करते हैं इनकी सर्विसेज, तो आप वो कोर्सेज कर सकते हैं। फिर बहुत ही ट्रेंडिंग एक फील्ड चल रही है डेटा साइंस की। सो डेटा साइंस में क्या होता है कि जो डेटा इकट्ठा किया जाता है उसको प्रोसेस किया जाता है, फिर वहाँ से कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाली जाती है, तो उसके रिगार्डिंग में डेटा साइंटिस्ट चाहिए होते हैं, तो उनको भी जैसे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्या वो चीज़ सीखते हैं, उसके लिए या तो पाइथन सीखेंगे या आर लैंग्वेज सीखेंगे, पर ज़्यादातर पाइथन सीखते हैं क्योंकि उसकी लाइब्रेरी ज़्यादा रहती है। तो आप पाइथन का कोर्स बिगिनियर लेवल के बहुत अच्छा एक कह लीजिए एक पॉइंट है कि अगर पाइथन इस गर्मियों में आप सीख गए तो आगे बहुत आगे निकल सकते हैं, तो पाइथन सीख के आप चीज़ कर सकते हैं। वैसे तो डेटा साइंटिस्ट को मैथ स्टैटिक्स प्रोग्रामिंग डाटा और मशीन लर्निंग आनी चाहिए, पर अगर आपने कम से कम प्रोग्रामिंग सीख ली है तो वो भी एक बेनिफिशियल है। तो स्टैटिक्स को बाद में देखेंगे, पहले फंडामेंटल देखें, पहला स्टेप देखेंगे हमारा क्या होगा और क्या चीज़ें हमें प्रिपेयर करनी चाहिए गर्मियों में। आपको इंटरव्यू तैयारी के लिए कुछ देखना चाहिए, ब्राउज करना चाहिए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट रहते हैं। अगर आपकी इंग्लिश वीक रहती है, कुछ बिहार के स्टूडेंट रहते हैं वो इंग्लिश को प्रिपेयर आप करें, तो इस तरह से बेसिकली आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस लगा सकते हैं, सॉफ्ट स्किल्स सीख सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं। पूरे 24 आवर्स में अगर आपने 2 घंटे इस जो स्किल को सीखने के लिए लगाएं, बाकी के आवर्स को आप कुछ और चीज़ें सीखने में लगा सकते हैं, तो इस तरह से आप और भी चीज़ें सीख सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने डिस्कस किया कि कैसे आप इस समर्स को यूटिलाइज़ करें फॉर द टेक अपग्रेडेशन। सो ये BTech फर्स्ट ईयर के लिए मैंने वीडियो बनाई थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।